नमस्कार दोस्तों, मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ गीता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी टमाटर आलू की सब्ज़ी और साथ में चावल। जल्दी जल्दी से बना लेते हैं और मुझे कहीं जाना है तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आप लोगों को, तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इधर जल्दी जल्दी से खाना जो बनता है ना, तो वही बना रही हूँ और बनाऊंगी मैं कुकर में जल्दी से आलू की सब्ज़ी। टमाटर जो है ना सीटी लग जाएगा और चावल बना दूंगी साथ में, वही जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद में जाना है बाहर और मैं बाहर आज आप लोगों को मतलब सावन के महीने में ग्रीन ग्रीन जो मतलब घास वगैरह उगती है, बहुत सारा हरियाली रहता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग पहले रेसिपी देख लीजिए और हमारा मतलब ये जो रूटीन है, मतलब मैं कैसे अपने आप को मैनेज करती हूँ वही सब दिखा रही हूँ। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और बहुत सारा इन्जॉय कीजिएगा। तो इधर मैंने आलू जो ना छील लिए थे और काट लिए थे, मैं जस्ट अभी नहा कर आई थी, तुरंत फिर खाना बनाने लग गई थी, तो आप लोग चेहरे से पता चल रहा होगा। तो ये इधर देखिए, मतलब कैमरा जो ना मैंने फिर सेट कर दिया था क्योंकि मैं दिखूंगी तो फिर सब्ज़ी नहीं दिखेगी, सब्ज़ी दिखेगी तो मैं नहीं दिखूँगी, तो इसलिए फिर कैमरे को ना सेट करना पड़ता है। तो इधर ये मैंने मिर्ची आप लोगों को दिखाई थी, वही तीन मिर्ची ली हूँ और एक टमाटर और चार बड़े साइज़ के आलू ली थी जो मैंने छील के और काट के रख लिए हैं। मिर्ची को बीज से चीर लेते हैं क्योंकि काट के डालने में ना चढ़ती कम है और बीज से चीर दो तो ज़्यादा अच्छे से चढ़ जाती है सब्ज़ी में। तो इस तरीके से मतलब बनाऊंगी तो आप लोग देखिएगा। और इस तरीके का आलू टमाटर कुकर में किसने बनाया कमेंट करके बताइएगा और किस किस को मतलब इस तरीके का सब्ज़ी अच्छा लगता है ये भी बताइएगा। इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं डालेंगे, ज़्यादा मसाले भी नहीं डालेंगे, लिमिट में मसाले डालेंगे और यही है हमारा मतलब रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तो मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल और वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। मैं कैसे कैसे बनाती हूँ सब आप लोगों को प्रोसेस मिलेगा इसमें, लेकिन वीडियो में लास्ट तक रहना पड़ेगा। तो टमाटर को भी तब तक काट लेती हूँ जब तक हमारा मतलब तेल गर्म होता है, तब तक टमाटर को काट लेती हूँ। एक मीडियम साइज़ ही टमाटर डाला है क्योंकि टमाटर जो है ना बहुत महंगा हो गया, 40 रुपये केजी मिल रहा है टमाटर। किस किस के यहाँ पे महंगाई हुई है टमाटर की, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो 40 रुपये केजी मतलब बहुत कहने से दिया है, बाकी 50 रुपये में दे रहा था पर मैंने सुबह लिया तो 40 रुपये केजी दिया है। और अपने अपने यहाँ का टमाटर का भाव भी बता दीजिए कि किस किस के यहाँ पर कितना कितना महंगा है। हमारे यहाँ तो बहुत महंगाई है, सब्ज़ी में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो चलिए आप लोग रहिए लास्ट तक और देखिएगा हमारा प्रोसेस कि हम किस तरीके से बनाते हैं। और आप सभी को हैप्पी नागपंचमी, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को नागपंचमी की, और आप लोग इसी तरीके से खुशहाली और हरियाली आपकी ज़िंदगी में आती रहे और आप लोग इसी तरीके से बने रहें। तो मैंने पहले डाल दिया था जीरा और फिर डाल दी थी दो चिटकी हींग और फिर डाल दिए थे हरे मिर्च और उनको थोड़ा चटकने देंगे, फिर तब तक मतलब वो चटकेगा, फिर उसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर। और अब मैं डाल देती हूँ टमाटर, जल्दी जल्दी से ही बना रही थी सब्ज़ी क्योंकि जाने की तैयारी जो थी तो इसलिए जल्दी जल्दी से बना रही थी। ये आलू के छिलके मैंने जो छील के रखे थे वो प्लेट में भर दिए हैं, आसानी से उठा लेंगे और गंदा भी नहीं होगा। तो जल्दी पल्दी की सब्ज़ी जी है मतलब जल्दी में बनती है वो यही सब्ज़ी है। और मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच के करीब और ये वाली देखो गिर गई थी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी गिर गई थी और थोड़ी सी डाल दी है मैंने। और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच क्योंकि ये तीखी है थोड़ी सी। और धनिया पाउडर, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सिंपल है पर अच्छी है। तो ये नमक स्वाद अनुसार, जैसा आप लोग नमक कम ज़्यादा खाते, सब अपने तरीके से नमक डालते हैं, तो उसी हिसाब से डाल दी हूँ मैं। और उसको डाल के घुमा देती हूँ ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और टमाटर जो थोड़े थोड़े गल जाएं। और इसमें मैंने आलू काट के रखे थे पानी में, तो आलू डाल देती हूँ। और ये चिप्सोना आलू है क्योंकि आजकल वही आलू अच्छा लग रहा है, बाकी आलू तो मीठे मीठे लग रहे हैं। तो ये देखिए मैंने
डाल दिए हैं आलू धो के अच्छे से, और मैं अब मतलब ये डाल देती हूँ छोले मसाला, थोड़ा सा ज़रा सा डालूँगी। ये रखा था सामने दिख गया तो फिर मैंने कहा चलो ये भी डाल दूँ, इससे जो है टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। तो छोले मसाला डाल दो, मेरे सामने कोई भी मसाला हो, किसी मसाले का ये नहीं कि नहीं ये इस चीज़ में पड़ता, मैं सारे मसाले मिल जाए सारे मसाले डाल देती हूँ, और मन होगा तो, नहीं मन होगा तो ऐसे ही बनाती रहती हूँ। तो इधर मैं इसमें लगा देती हूँ मतलब घुमा के पानी, क्योंकि ग्रेवी के अनुसार पानी लगाना है, जैसा आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से लगाना है। तो इधर देखिए आप लोग, मतलब जिस हिसाब से हमें ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से मैंने डाल दिया है इसको। और इधर मैं दूसरी गैस जला देती हूँ और इसमें रख देती हूँ ये पानी, क्योंकि इधर तब तक सीटी लगेगी तब तक इधर, क्योंकि कुकर में आज चावल नहीं बनाऊँगी, आज पतीले में खुले हुए चावल बनाऊँगी, तो मतलब एक साथ जल्दी से हो जाएगा, इसलिए क्या नाम इधर चावल धो लिए थे मैंने, और मैं पानी जो है ना थोड़ा गुनगुना हो गया था डाल दिया है, और इसी तरीके के चावल बनाऊंगी, क्योंकि कुकर में तो बहुत बार आप लोगों ने देखे हैं ये पतीले में बने हुए चावल नहीं देखे, जिनको खुले चावल बोलते हैं, तो आज वही बनाऊंगी साथ में। तो इधर देखिए चावल जो ना मतलब थोड़े से पानी उबाल आने लग गया था, तो मैंने उनको घुमा दिया था ताकि ऊपर नीचे के मतलब थोड़े से मिक्स हो जाएँ और पकने में आसानी हो जाए, और इसमें से ना पानी नहीं निकालेंगे, बंद चावल जिसको बोलते हैं वो बनाऊँगी बिना पानी निकाले हुए, और इस तरीके से। तो आप लोग लास्ट तक रहिए। तो ये देखिए चावल बन गए हैं, पूरा अच्छे से बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो गर्म है एकदम से। और ये इधर सब्जी बन गई है आलू टमाटर की, एकदम स्वादिष्ट। और ये चावल और आलू टमाटर की सब्जी आज यही है हमारे खाने में, और कुछ नहीं है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बने रहिए बताइएगा। और चलिए फिर मैं आगे मिलती हूँ आप लोगों से, और फिर करती हूँ बातें आप लोगों से। चलिए खाना खा लेती हूँ। तो इधर मैं मतलब खाना लेके बैठ गई थी खाने, और बच्चे भी आ गए थे, तो इधर देखिए कूलर चला के बैठी हुई। तो चलिए मैं खाना खा के भी तैयार होकर भी चलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए वीडियो नहीं बनाना मैंने। तो ये इधर मैं हो गई हूँ तैयार, जा रही हूँ मार्केट। तो चलिए आप लोग भी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो इधर मैं निकलने के लिए तैयार हो गई थी, मैंने अपने बेटे को बोला थोड़ा सा वीडियो को शूट कर दो, क्योंकि अपने आप से पूरा नहीं दिखता है, और लोग जो ना डिमांड करते हैं कि पूरा दिखना चाहिए। तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और इधर मैं उतर लेती हूँ सीढ़ियों से, और ये देखिए आप लोग मैं मतलब बाहर ग्रीन ग्रीन पूरा दिखा रही हूँ, और निकल ली हूँ घर से, और पैदल पैदल जा रही हूँ मार्केट में, मतलब नहीं जा रही हूँ मार्केट से, नहीं जा रही हूँ दूसरी शॉर्टकट रास्ता से जा रही हूँ, पैदल पैदल। इधर भरा है पानी, तो ये देखिए मैं अपने आप को भी सामने लेके, और ये देखिए शूट करके कच्ची रास्ते से जा रही हूँ, यहाँ से कच्ची रास्ता है और नज़दीक पड़ता है यहाँ से। तो मैं फिर इसी तरीके से निकल गई थी, और हमारे पड़ोसन है एक, तो उनकी बिटिया का मतलब वर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था, तो उन्होंने बोला है कि चलो मेरे साथ दीदी और मेरा मतलब वर्थ सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ हॉस्पिटल जा रही थी, और फिर उसके बाद में मैंने अपनी दवाई ली थी, अपने हॉस्पिटल गई थी जहाँ से मेरी मतलब दवाई चल रही है। तो मतलब वो थोड़ा डॉक्टर पैदल चलने के लिए बताया, तो इसलिए फिर मैं कच्ची रास्ते से निकल जाती हूँ, और आसान पड़ता है, पैदल भी हो जाता जाना भी, और काम भी हो जाता, पैसे भी बच जाते हैं, मतलब किराया जो लगेगा, उधर से जाएंगे तो ऑटो से जाना पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो पैदल, और वॉकिंग भी हो जाएगी, तो मतलब घूमना फिरना हो जाएगा। तो फिर मैं इधर हरा हरा भी दिखता है, मतलब मार्केट नहीं है लेकिन हरा हरा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं वही उसी से बातें करते हुए जा रही थी, वो बोली दीदी मुझे नहीं लाना वीडियो में, तो मैं उसको वीडियो में नहीं लाई, मैं अपना ही वीडियो बनाई हूँ पूरा रास्ता। और उसके बाद में ये मतलब मैंने आप लोगों को हरी हरी हरियाली रक्षाबंधन में जो दिखती है ये यहाँ पे मतलब
मकान वगैरह बने हुए हैं और ये बाउंड्री वगैरह है, बहुत कुछ है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे, मतलब ये फर्रुखाबाद का लोकेशन है। तो यही है आज के ब्लॉग में। तो इधर मैं उससे थोड़ा सा बोली थी कि फ़ोटो की खींच दो, तो मैं वही मतलब देख रही थी ग्रीन ग्रीन घास के अंदर फ़ोटो खिंचा लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं वहीं खड़ी हो गई थी, तो वो वीडियो भी शूट हो गया और फ़ोटो भी खिंच गई। तो बस वही दिखा रही थी मैं उनको, बोल रही थी थोड़ा सा बात कर रही थी और उनको बोली थोड़ा सा खींच दो, क्योंकि वो नहीं आ सकती और जो बिटिया दिख रही है वीडियो में वो उन्हीं की है, और सब नहीं आना चाहते ना वीडियो में, तो फिर दूसरे को कैसे ला सकते हैं, जिसकी इच्छा होती आता, नहीं इच्छा होती नहीं आता। तो वो बोल रही थी कि कैसे फ़ोटो खींचेगी, तो फिर मैं बता के आई उनको ऐसे खींचेगी, और कैमरा जो ना ऑन था। तो आप लोग देखिए कैसा लग रहा है यहाँ का हरा हरा लोकेशन, और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं मतलब साड़ी नहीं सूट पहन के गई थी, क्योंकि पैदल जाते हैं तो सूट पहन के ही जाना पड़ता है, और साड़ी में नहीं बन पाता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है पैदल चलना। तो इधर देखिए आप लोग इस तरीके का हरा हरा सा एकदम दिख रहा था पूरा अच्छा सा। और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे जंगल है, आसपास घर भी हैं लेकिन दूर दूर तक बसियत है, नज़दीक नज़दीक नहीं है। तो ये देखिए मैं आ गई थी मेन रोड पे एकदम से, वहाँ पे मतलब ये सेक्टर पड़ता है, तो ये सेक्टर है, तो वहाँ पे आ गई थी। तो आप लोग देखिए, और मैं देखिए ये मकान भी दिखते हैं, और चलिए अब पहुँच गई हूँ मैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ ये देखिए। और उस मतलब डॉक्टर से बात कर लूँ तो डॉक्टर बोला, तो इधर देखिए मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी, और मतलब उन लोगों ने बोला थोड़ी देर वेट करो, तो फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा खिला रही थी उसको और मस्ती कर रही थी, थोड़ा सा वीडियो बनाई हूँ उसका। तो ये देखिए आपको क्यूट लगती है ना, किस किस को क्यूट लगती है, और स्माइल उसकी कितनी क्यूट लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बच्ची के लिए थोड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, उसकी स्माइल के लिए कितनी क्यूट स्माइल दे रही है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी पिक भी लगी है देखिएगा उसमें, तो मैं ऐसे करके मुँह बांध ली थी, अच्छा नहीं लगता ना हॉस्पिटल में, और मास्क लगा के जाना भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा अंदर जाऊंगी तो दुपट्टा बांध लूँगी, तो मैं दुपट्टे ही बांध लेती हूँ क्योंकि मास्क लगा के और दिक्कत होने लगती है। तो फिर ये देखिए उसका बनवा लिया था उधर, मतलब वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो मैंने नहीं बनाया, और बनवा के फिर चल दिए थे वापस उसी रास्ते से, पैदल पैदल वापस चल दिए थे। और फिर से मतलब वीडियो मैंने वापसी का थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो ये देखिए मतलब इस तरीके से पेड़ लगे हैं, पेड़ के आसपास मतलब ईंट से वो कर रखा है, जैसे भैंस हो गई हैं गाय हो गई, वो लोग पेड़ पौधे ना खा लें, इसमें पेड़ पौधे लगे हैं किसी किसी चीज़ के। तो ये देखिए धूप बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैं दुपट्टा सिर पे डाल के और चलती जा रही थी और बातें करती जा रही थी। तो आप लोग भी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए मैं लगभग घर पहुंचने वाली हूं, तो आप लोग देखिए घर पहुंच गई हूं बने के लिए रास्ते, मैं आ गई हूं घर पे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।